हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं, जो आप लोग की सीरीज चल रही है, ठीक है। जनरल नॉलेज की यह पार्ट टू है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा हाल में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और कुछ डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, या पर्सनली जैसे ही आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आगे पर्सनली मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। सभी की सोशल मीडिया की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, चाहे हिंदी की चाहे आप लोग की साइंस की, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, आप लोग ध्यान रखना है। क्या क्या होता है? CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ये होता है टाइलिन। क्या होता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है यह टाइलिन होता है, ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है यह पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी? पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। चलिए हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। ये नहीं, थोड़ा सा चेंज दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी वूलर झील, भारत की सबसे बड़ी वूलर झील किस राज्य में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। यदि आप लोग झील से एक वीडियो याद करना चाहते हैं, कौन से राज्य में कौन सी झील है, एक वीडियो ट्रिक से भरी, पूरी ट्रिक भरी वीडियो है। हर एक राज्य में कौन कौन सी झील है, एक ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है वीडियो, उसको आप लोग देखना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर की उत्तर से सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कौन सा पत्तन स्थित है? पोर्ट सईद पत्तन जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। आप लोग बता दूं कि बार बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत लोग इस नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो राइट आंसर होगा यूक्रेन। क्या होगा? यूक्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? जब प्रति चक्रवात होता है, वायु दाब कहाँ पर अधिक होता है? यह होता है केंद्र में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, ये डोडो पक्षी है। कौन सी है? डोडो पक्षी है। कायिक जनन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है। किसमें? आलू में जो है कायिक जनन पाया जाता है। यदि आप लोग चैनल पर अभी जुड़े हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए फिर वीडियो हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्म के संयोजन को निषेचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। एक लिंगी पुष्प कौन सा होता है? मक्का जो है एक लिंगी पुष्प होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंदू, बौद्ध और जैन की मंदिर स्थित है। कहाँ पे? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है हिंदू, बौद्ध और जैन की मंदिर स्थित है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? यह पावा में प्राप्त किया था। कहाँ पर? पावा में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त दा, जो अंतिम में अपने अंतिम दिनों में यह जैन धर्म अपना लिया था। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए थे। किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य के द्वारा यह मठ स्थापित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक था कौन? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है? श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से, MPGK से रिलेटेड, आई होप सभी लोगों से बन जाएगा। हाथी ताल, क्या बताइएगा? हाथी ताल कहाँ पर स्थित है? एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है व्यापम में। हाथी ताल कहाँ पर स्थित है? चलिए आप लोग को ऑप्शन दे देते हैं। हाथी ताल पहले नंबर आप लोग लीजिए भोपाल, दूसरे पे आप लोग जबलपुर, तीसरे में आप लोग इंदौर और चौथे में आप लोग नॉन ऑफ तीज, यानी कोई नहीं। बताइए इन ऑप्शन में से हाथी ताल किस शहर में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। अगला सवाल है,
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। प्रति चक्रवात के किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। कहाँ? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। किस राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है? आई होप सभी लोगों को पता है, गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो का पार्ट टू है, यदि आप लोग पार्ट वन नहीं देखें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।